बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आज रमज़ानुल मुबारक 2021 का 30वां रोज़ा है और कल इंशाल्लाह हमारे यहाँ एडमिंटन कनाडा में ईद होगी। ये इस साल के रमज़ानुल मुबारक का आखिरी सनसेट है और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल फिर इसी तरह का सनसेट देखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस रमज़ान में हम सब ने जो इबादत करने की कोशिश की है अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए। और इस वक्त COVID-19 की जो वबा पूरी दुनिया में छाई हुई है और पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है, अल्लाह पाक इसको दुनिया से ख़त्म करे और हमें इसे निजात दिलाए। डियर व्यूअर्स, हम अभी अभी मस्जिद से ईद की नमाज़ पढ़ कर आए हैं और हलवा पूड़ी का नाश्ता रेडी है, लेकिन सबसे पहले मेरी तमाम भाई बहनों, रिश्तेदारों और दोस्तों और स्पेशली मेरी वालदा साहिबा को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की ज़िंदगी इसी तरह खुशियों से भरी रहे। आज मैं आपको यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इस वक्त एडमिंटन में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 60,000 के लगभग है और सिर्फ एडमिंटन सिटी के अंदर इस वक्त 10 मसाजिद हैं जो कि इस कम्युनिटी को सर्व करती हैं। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है उसका नाम है रियाजुल जन्ना और इस साल ईद की नमाज में तकरीबन 800 अफराद ने शिरकत की। इस साल की ईद हमारे लिए COVID-19 की वजह से थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि सोशल गैदरिंग्स के ऊपर स्ट्रिक्ट पाबंदी है, इसलिए हम इस साल ईद सिर्फ अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। पिछले रमज़ान में जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं और अपने खालिक हकीकी के पास चले गए हैं, उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और ख़ास तौर से मेरा दोस्त अशफाक पराचा, जो कि मेरा इंजीनियरिंग का क्लासमेट था और ख़ास तौर पे मेरा प्रोजेक्ट मेट भी था, वो भी हमसे जुदा हो गया है। अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे और उसकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजकल फ़लस्तीन और इज़राइल में जो बर्बरियत और कत्लेआम हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे तो बात नहीं करूँगा, उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इंसानियत के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम सब पहले इंसान हैं और ये रिश्ता सब पे मुकद्दम है। मैं तमाम आलमी इदारों से अपील करता हूँ कि इंसानियत के हवाले से इस बर्बरियत को रोका जाए। Thank you.
ओके फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।